बाबू शुभरम कॉलेज में एसएफआई की ओर से पौधरोपण किया गया। पंकज सावरिया ने बताया कि एसएफआई के आह्वान पर सभी जगह 11 पौधे लगाने का निर्णय लिया गया। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पर्यावरण की रक्षा करते हुए 11 लोगों के शहीद होने के चलते उनकी याद में 1111 पौधे लगाने का आह्वान किया गया, जिसको लेकर उन्होंने आज कॉलेज कैंपस में एक बुजुर्ग से उद्घाटन करवाकर पौधे लगाए और उनकी साल भर सार संभाल भी की जाएगी। छात्र संगठन एसएफआई के द्वारा राष्ट्रीय आह्वान के तहत जो तूतीकोरिन में घटना हुई थी वो शहीद हुए थे, साथ ही पर्यावरण को बचाते हुए उनकी शहादत में आज हर एक कॉलेज में हर एक कैंपस में एसएफआई के द्वारा पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है और पर्यावरण को बचाने का ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। एसएफआई का कार्यक्रम हमारे यहाँ पर चलाया जा रहा है, यहाँ पर पर्यावरण के बारे में निम्न बताया गया है और इन भाइयों ने हमारे लिए पहले बताया था कि हमारे लिए जो तूतीकोरिन एक जगह थी वहाँ पर हमारे शहीदों ने पर्यावरण के बारे में बहुत बलिदान दिया तथा हमारे इस कॉलेज में एनसीसी के सभी कैडेटों ने एक एक पर्यावरण में एक एक पौधा लगाया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर पिछले दिनों तमिलनाडु के जो तूतीकोरिन जगह है वहाँ पे स्टरलाइट नामक की एक कंपनी थी जिसके कारण वहाँ पे प्रदूषण फैल रहा था, उसके खिलाफ पर्यावरण बचाओ के तहत वहाँ के स्थानीय लोगों ने आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन को कुचलते हुए वहाँ की सरकार ने 13 लोगों पर गोलीबारी कर दी जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। उन शहीदों को जो पर्यावरण की रक्षा में अपने प्राणों का त्याग कर गए उनको याद करते हुए एसएफआई राष्ट्रीय कमेटी का आह्वान कि आज हम उन 13 शहीदों के लिए अपने कैंपस के अंदर 13-13 पौधे लगाएंगे और पर्यावरण की रक्षा हेतु संकल्प लेंगे और आने वाले दिनों में पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे।